हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर सेज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो इवोल्यूशन है लाइफ का वो किस पे बेस्ड है। चार ऑप्शंस दिए हैं। ए, इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल्स। बी, इंटरैक्शन ऑफ वाटर एयर एंड क्ले अंडर इंटेंस हीट। सी, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर हॉट मॉइस्ट एनवायरमेंट कंडीशंस। डी, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है, द की कॉन्सेप्ट हियर यूज इज ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस एक हमारा प्रोसेस है। जो ये केमिकल इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट की बात की है, केमिकल इवोल्यूशन को ही हम ए बायोजेनेसिस बोलते हैं। ए बायोजेनेसिस हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो लाइफ है, लिविंग फॉर्म, वो नॉन लिविंग मैटर से अराइज हुआ है। इसमें हमारा सजेस्ट किया गया था जो लाइफ है अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग। इस कॉन्सेप्ट में हमें बोला गया था, तो दिस कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इवॉल्व इंटू मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। तो इसमें ये बोलता है कि जो ये ए बायोजेनेसिस थियरी है, इसमें सजेस्ट किया जाता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स में चेंज होते हैं सिंपल से, और उसके बाद वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मतलब ये बोलता है ना कि इस वाले थियरी में बोला गया कि पहले से कोई लाइफ प्रेजेंट ही नहीं होती है, न्यू लाइफ बनती है केमिकल्स के थ्रू। अब हम एक एक ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है, इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल्स। तो ऑप्शन ए में हमारा बोला है कि सोलर रेडिएशन का इफेक्ट जो केमिकल पे पड़ता है उससे हमारा केमिकल इवोल्यूशन होता है। तो ये जो सजेस्ट करता है, ये रेफर करता है एक हाइपोथेसिस को जिसमें ये बोला गया था कि जो सोलर रेडिएशन है, लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, ये हमारा नीडेड होता है ड्राइव करने के लिए केमिकल रिएक्शन को। तो ये केमिकल रिएक्शन को इसकी एनर्जी का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन किया जाता है। तो इस तरह से केमिकल इवोल्यूशन होता है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। बी में है हमारा, इंटरैक्शन ऑफ वाटर एयर एंड क्ले अंडर इंटेंस हीट। तो इस हाइपोथेसिस में ये बताया जाता है कि जो वाटर एयर और मिनरल्स क्ले वगैरह है, इनका जो इंटरैक्शन होता है हाई टेम्परेचर के अंडर में होता है। तो हाई टेम्परेचर मेंटेन होता है और ये सारे इंटरैक्ट करके ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। बात कर ले ऑप्शन सी की। सी में है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल अंडर हॉट मॉइस्ट एनवायरमेंट कंडीशन। सी में बोल रहा है कि जो भी केमिकल्स हैं हॉट और मॉइस्ट एनवायरमेंट कंडीशन में कंबाइन करके केमिकल इवोल्यूशन करते हैं। तो ये भी एक हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं प्राइमोर्डियल सूप, क्योंकि इसमें हॉट वाटर में सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं, तो इसलिए इसको प्राइमोर्डियल सूप बोला गया था उस टाइम पे। ये हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि जो लाइफ है वो उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, बिगिन होता है हॉट में। हॉट इक्वस मतलब वाटर एनवायरमेंट में, जिसमें कि हमारा जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं।
इसमें जो हीट और मॉइस्चर है वो बहुत ही नेसेसरी कंडीशन होता है केमिकल रिएक्शन में। तो इस तरह से ये बोला गया। ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी में है हमारा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स। जो भी केमिकल्स होते हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन होके हमारा केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा हमें ये हाइपोथेसिस देता है। तो ये जो ऑप्शन है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना ही क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। तो इस तरह से जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है ये डायरेक्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में लिंक नहीं है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होता है। सबसे एक्सेप्टेड जो हाइपोथेसिस है रिगार्डिंग केमिकल एवोल्यूशन वो है कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर हॉट मॉइस्ट कंडीशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर हॉट मॉइस्ट एनवायरनमेंट कंडीशन। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।